टू माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस आज की मॉर्निंग रूटीन में शेयर करने लगी हूँ, और काफ़ी मतलब 3-4-5 दिन का गैप हो चुका है, क्योंकि गाइस मैं चली गई थी, जैसे कि हमारे मतलब एक शादी है, रिलेटिव की शादी में गए थे हम लोग। तो उसके बाद हम लोग सिर्फ शादी अटेंड की, उसके बाद हमने लोनावला कंडाला खूब घूमा, खूब मजे किए, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। काफ़ी टाइम एक्चुअली ना, लगभग 4 साल के बाद हम लोग ने मतलब ये ट्रिप प्लान किया है। 4 साल से हम लोग म्यांमार नंबर चल ही रहा था, तो हम लोग ना कहीं घूमने नहीं गए थे, कहीं घूमने नहीं जा रहे थे। बीच में कुछ परेशानी आई थी, तो एक बार 6-7 महीने हो गए, मैं कोलकाता गई थी अपने घर, उसके बाद हम लोग कहीं नहीं जा रहे थे, गए थे। तो बच्चे भी परेशान हो रहे थे, और वेकेशन भी ख़त्म होने वाला था दिवाली का, तो फिर शादी के चक्कर में हम लोग को जाना पड़ा। तो फिर वहाँ पे हम लोग थोड़े घूमे फिरे, मज़े किए। तो इस चक्कर में गाइस आप लोगों से डाइटिंग का जो मैं एक शेड्यूल बनाकर शेयर करी थी, तो वो बीच में टूट चुका है, तो उसके लिए सॉरी बोलूँगी आप सबको। आई होप आप सब नाराज़ नहीं होंगे मुझसे। तो गाइस प्लीज़ नाराज़ मत होना, हो जाता है, फैमिली में बच्चे और हस्बैंड का भी सुनना पड़ता है ना। तो ऐसा हो गया, फिर अभी आज से कंटिन्यू रहेगा हमारा। तो चलिए सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक बना लेते हैं। आज ना मैं पाउडर नहीं लूँगी, आज मेरा ना गला थोड़ा बैठा हुआ है, थोड़ी सी ठंडी लग गई। वहाँ ना हिल स्टेशन था वो लोनावला खंडाला, बहुत ठंडी थी वहाँ, इतनी ठंडी थी मेरे आँख गाल सब सूज गए। और ना धूप में मैं इतना घूमी हूँ ना, पूरा चेहरा मेरा देखिए पूरा डार्क स्पॉट्स आ गए, बहुत ज़्यादा मतलब डल हो गया चेहरा। इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, ताकि ये जो सन टैन है ये सब निकल जाए। तो भी होम रेमेडी मैं करूँगी इंशाल्लाह, देखती हूँ शाम को करती हूँ या कल करती हूँ, जो भी हो। तो चलिए आज ना मैं सोच रही हूँ अदरक का पानी बना लूँ, ठीक है, फैटलोस वाटर बना लूँ, ठीक है, फैटलोस ड्रिंक बना लूँ अदरक का। तो जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था वही है, ठीक है। तो अगर आपने जीरा या धनिया पानी आप ले रहे हो, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हो, या जो लोग पाउडर बना कर ले रहे हैं वो भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मुझे ठंडी लगी है, सर्दी से हो रहा है, और ज़ुकाम भी है, वहाँ बहुत ठंडी था, तो मैं आज अदरक लूँगी। अदरक से क्या होगा, अंदर बॉडी पूरा हीट करेगा, और उससे मुझे फ़ायदा देगा, गला भी गले में खराश है वो भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं आज बोल लेती हूँ, और उसके फिर दोपहर में क्या खाती हूँ मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। ढूंढने में मुझे पता चला कि मेरे घर पे आज कच्चा वाला अदरक आज ही ख़त्म हुआ है। पेस्ट तो मैं बनाकर रख लेती हूँ, बट मैं चली गई थी ना बाहर घूमने के लिए, तो फिर अदरक घर पे ख़त्म हो चुका था, तो अभी शाम को लाऊंगी। तो मैंने अभी सोचा ये दालचीनी का पानी मैं बना लेती हूँ, ठीक है। इसमें आप तेज पत्ता और अजवाइन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा 100 ml पानी में ना इसको बॉयल कर लूँगी, 2-3 मिनट धीमी आँच पर, एकदम स्लो लो फ्लेम पे मैं उसको पकाऊंगी, और फिर इसका पानी छान कर मैं पी लूँगी। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा आपका फैट कटर ड्रिंक बन जाएगा। देखिए कितना अच्छा से बन गया ये, है ना, बहुत अच्छे से बन गया, कलर भी बहुत अच्छा आ गया। 5 मिनट तक मैंने उसको उबाल लिया है, अब ना मैं उसको छान लूंगी। तो चलिए मैं इसको छान लेती हूँ, कलर मस्त आया, बहुत अच्छा। अच्छा, इस स्टेज पे ना थोड़ा सा गुनगुना होने दीजिएगा, मुंह ना जल जाए, बस इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये मेरा डिटॉक्स वाटर तैयार है, ठीक है, ये मेरा डेटा थोड़ा तैयार है, अभी मैं इसको पी लूंगी। आप चाहो तो इस पर हनी ऐड कर सकते हो, बट मैं बिल्कुल भी हनी यूज नहीं करती हूँ, हनी अवॉइड करती हूँ। ओके, फटाफट से गर्मा गर्म पी लेते हैं, थोड़ा सा मैंने ठंडा होने दिया है। लेकिन एक बात बोलूंगी, ये सिनेमन वाटर जो है ना, दालचीनी का पानी, सिनेमन वाटर बहुत टेस्टी होता है, बहुत इसका मीठा सा स्वाद है, इतनी अच्छा फ्लेवर, इतनी अच्छी खुशबू है ना, मैं बता नहीं सकती। तो आप बनाकर इसको पीकर देखिएगा कितना अच्छा होता है, और कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा आया है ना, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। मुझे जब से मैं डिटॉक्स वाटर लेने लगी हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन गाइस आपने नोटिस किया है, 2 दिन का जो मैंने चीट किया है, नहीं सैटरडे संडे मंडे, 3 दिन जो मैंने डाइटिंग नहीं किया ना, मतलब ठीक से नहीं फॉलो कर पाई मैं। होटल में ना जल्दी जल्दी से फटाफट से खाना खा के निकलना पड़ता था, क्योंकि ना घूमने निकलना था, फिर बच्चे हस्बैंड लोग जल्दी खा लेते थे, मैं बैठी रहूँगी 32 बार चबाती रहूँगी ना, तो बहुत लेट हो जाएगा। इस चक्कर में ना कभी कभी जल्दी जल्दी खाना पड़ता था, तो ठीक से फॉलो नहीं हुआ, और अनहेल्दी खाना खाना पड़ा वहाँ पे होटल में, जो मिलता था वो खाती थी, सही से मतलब सही चीज़ मिल नहीं रहा था। और मतलब इस चक्कर में आपने नोटिस किया मेरी थोड़ी वज़न थोड़ी मतलब सूजन दिख रही, वज़न थोड़ी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ पॉइंट तो बढ़ा हुआ होगा, है ना। किस किस ने नोटिस किया बताइएगा मुझे, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया, सच में मुझे रोज़ देखते हो ना, तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, और अगर नोटिस किया तो बताइएगा मुझे, ठीक है।
पता है मुझे इतनी हंसी आ रही है, मेरी किसी सब्सक्राइबर ने, मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है कि आप सब लोग ही कितने मोटे हो। तो गाइस मुझे इतनी हंसी आई उस टाइम पढ़ते हुए, मैं पढ़ी ना तो मुझे स्माइल आ गया। आई लव यू यार, तुम लोग बहुत नोटिस करते हो मुझे, अच्छा है, थैंक यू। बट हाँ डियर, क्या कर सकते, किसी की फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो लोग का वेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अमन जब पैदा हुआ था ना, वो खुद 4.5 किलो 5 किलो का था और उसका वज़न शुरू से मेरे पेट से ही वो उतना ही है, और वो खाता ज़्यादा नहीं है, वॉक करता है, पैदल चलता है, घूमता रहता है, सब करता है, लेकिन उसका ना जेनेटिकली वैसा है। अभी 14 क्रॉस करके 15 लगा है उसको, तो अभी मैं जिम डाल दूंगी उसको, इंशाल्लाह देखते हैं, ट्रेनर के साथ उसको ट्रेन कराऊंगी और फिर उसका वज़न घट जाएगा। हस्बैंड तो ज़्यादा मोटे नहीं है, और मेरा वज़न जो है ना गाइस, मेरा वज़न तमन्ना जब पैदा हुई थी ना, तो मुझे कुछ डिफिकल्टी आई थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो हार्मोनल चेंज की वजह से मुझे थायराइड आया, और थायराइड के वजह से मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम आया, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ना मेरा वज़न तभी बढ़ा है। पहले मेरा वज़न ना 60 kg था, 60 किलो वज़न था मेरा, मैं हेल्थ बहुत ज़्यादा मोटी, पेट वेट बाहर नहीं था मेरा। अभी मेरा 91 हो गया, 30 किलो बढ़ गया, पहले ऐसी नहीं थी, बहुत खूबसूरत थी मैं पहले। मैं आप लोगों को ना थोड़े बहुत मेरे फोटोज़, पुराने फोटोज़ शेयर कर दूँगी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी मैं, ठीक है। तो आप लोग देखना कि मैं कैसी थी पहले, ठीक है। और उन्होंने ना बोला कि आप लोग सब कितने मोटे हो, बट क्या करूँ गाइस, हैं मोटे, मैंने तो झूठ नहीं बोला ना कि मैं बहुत स्लिम ट्रिम हूँ। मेरी पूरी फैमिली को मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि हाँ हम लोग हैं गोलू मोलू, खाते पीते घर के, बट ट्राई कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारा वज़न घट जाए। अमन को भी, अमन तमन्ना सबसे मैं 32 बार का फॉलो करवा रही हूँ, बच्चे हैं नहीं कर पा रहे, थोड़ा बहुत करते, लेकिन मैं करवा रही हूँ इंशाल्लाह। और मुझे ध्यान देना है खुद पे, मेरे बच्चों पे, सब पे ध्यान देना है, क्योंकि ना ये वज़न मोटापा बहुत बहुत बुरी बला है, जब किसी पे आ जाए ना तो उसकी ज़िंदगी समझो कि आधी खुशी ख़त्म होगी, तो मैं समझ सकती हूँ। इसके लिए ना मैंने मैं तो हमेशा से मतलब कोशिश रखती थी कि मेरा वज़न ना बढ़े, बट मुझे ना सूजन हो रहा है, ठीक है, खाने से मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है, थायराइड की वजह से सूजन हो रहा है मुझे। तो फिर भी मैं उस थायराइड को भी मैं कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों से डिटेल्स में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, ब्रेकफास्ट में आज मैं भुर्जी बनाने वाली हूँ, पनीर भुर्जी, और चपाती बनाऊंगी आज। तो अभी चपाती ले लूँगी, अभी टाइम हुआ है आपका 12:15 बाकी है, 12:15 ठीक है। तो चपाती बना लूँगी, अंडा भुर्जी खा लूँ, बनाकर मैं आधी चपाती लूँगी और अंडा भुर्जी पनीर भुर्जी बनाकर ले लूँगी, ठीक है, बच्चों को भी खिला दूँगी। उसके बाद 1:30 मेरा होगा लंच टाइम, लंच में मैं हमेशा राइस ही लेती हूँ। किसी ने मुझे पूछा था कि आपको किसने बोला राइस लेने के लिए, गाइस आप किसी का भी डाइट चार्ट पढ़ लो, कोई भी डाइटिशियन की वीडियोज़ देख लो या गूगल मैप सर्च कर लो, आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप राइस ले रहे हो कि चावल ले लो, फर्क पड़ता है आपको क्वांटिटी में, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप चावल लो या आप रोटी लो, लेकिन क्वांटिटी से फ़र्क पड़ता है कि आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो, ठीक है। और रोज़ भी चावल खाना ठीक नहीं है, बात सही है, सच है, बट डियर सच मतलब गाइस सच बताऊँ ना, मुझे रोटी हजम नहीं होती है, मुझे बहुत तकलीफें होती है। तो मैंने पढ़ा है कहीं पे, आर्टिकल्स पढ़े हैं कि आप चावल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया है, कर रहे हो आप, तो पूरे दिन भर में अगर आप वन बॉल छोटे से कटोरी, एक कटोरी चावल अगर ले रहे हो एक टाइम पे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से आपका वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ले रही हूँ, और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहे ना गाइस, जिन्होंने मुझे कमेंट किया, आपको अगर कंफर्टेबल नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप रोटी ले लो और या वो बना लो, चीला बनाकर ले लो लंच के टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ, मैं छोटी बॉल छोटी कटोरी के कटोरी चावल ले लेती हूँ, और उससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, ठीक है। और मेरी आदत है बचपन से, हम लोग बंगाली है ना, कोलकाता से बिलोंग करते ना, तो मुझे ना भात, हम लोग भात बोलते हैं उसको, हमें भात की आदत है, हम 2-3 खाना खाते थे, पता है, सुबह ब्रश करके थोड़ा सा मूढ़ी खाते थे, कुरमुरा को हम लोग मूढ़ी बोलते कोलकाता में, तो वो सूखा खा लिया नाश्ते में, चाय वाय तो मिलते नहीं थे, मूढ़ी चना चूर खाते थे। उसके बाद ना 10 के बाद पांता भात, यानी कि बासी, रात का बासी चावल, और उसमें पानी मिलाकर हम लोग खाते थे, या गरम भात होगा, भात बना देती थी मम्मी, तो चौप के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ हम लोग ना गरम राइस भी खाते थे, उसको हम लोग भात बोलते हैं बंगाली में, जो अगर मेरे मतलब सब्सक्राइबर में से कोई अगर बंगाली है तो उसको समझ में आएगा। तो दोपहर मतलब 10 के करीब भी हम लोग खाना खाते थे, फिर लंच टाइम हमारा रहता था 1-1:30 के बीच में,
लंच में भी खाना खाते थे, फिर शाम को कुछ चटपटा सा खाते थे, फिर रात को भी हम लोग वही चावल ही खाते थे। तो 3 टाइम 4 टाइम हम लोग भात खाते थे, राइस खाते थे। तो वो आदत ना जाता नहीं है, है ना, वो रह गया, बिल्कुल रह गया। मुझे इतनी आदत हो चुकी है ना, मतलब हमारे लिए रोटी पराठा क्या पता है, एक ऐसा है कि शौकिया तौर पे मैं खाती हूँ, ठीक है, मुझे नहीं जमता है इसलिए तो मैं नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। अगर आप डाइट, और मैं क्या बोल रही हूँ कि आप अपना जो है ना वज़न कम कर सकते हो, अपने पसंद के खाने खाकर भी अपना वज़न घटा सकते हो, बस आपको क्वांटिटी पे ध्यान देना है। और ये चमत्कारी जो फॉर्मूला है 32 का फॉर्मूला, वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो देख लेना, आपको आपको पतले होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हर चीज़ में गैस वक्त लगता है, थोड़ा सा सबर करो, कोई मैजिक नहीं होने वाला, होगा ओनली लॉजिक, ठीक है। देखो 12:15 है, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। फास्टिंग का मेरा फर्स्ट मील है जो है 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है। सुबह मैं सिर्फ फैट कटर ड्रिंक सुबह लेती हूँ मैं, और 12 बजे से मैं अपना जो है फर्स्ट मील लेना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट मील क्या है मैं दिखाती हूँ, प्रोटीन फाइबर बहुत कुछ है इसमें, शिमला मिर्च है, टमाटर है, भुर्जी है, पनीर है, ये पनीर की भुर्जी बनाई है मैंने, और 2 चपाती ली है, ठीक है। तो आज मेरा फर्स्ट मील ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। मैं पहला निवाला लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चे भी खाएंगे, मैं हम लोग ना एक साथ बैठ जाते हैं, ठीक है। तो टुकड़े आपका जो होगा ना रोटी का टुकड़ा, थोड़ा छोटा ही होना चाहिए। और ये लिया मैंने पनीर, देखिए। और गाइस ये आ गए निवाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 32 बार मैंने चबा कर खा लिया है, और अभी तमन्ना आ रही है मेरे साथ नाश्ता करने के लिए। तो गाइस आपका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें आपका फर्स्ट मील 12 बजे से आप स्टार्ट करोगे, और थोड़ा थोड़ा हम खाएंगे। आप बहुत बार खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको आपका इंसुलिन मेंटेन रहेगा, और आपको वेट लॉस होने में बहुत सारा बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तमन्ना हाय बोलो। हाय। तो चलिए गाइस फटाफट से खा लेते हैं। मैंने नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। ये दुपट्टा जो है ना, ये मैंने खंडाला में ख़रीदा था, तो उसका ड्रेस भी मैंने पहना था, आपने देखा होगा ना, पिंक कलर का, तो ये उसी का दुपट्टा है। जस्ट अभी मैं नहा के निकली ना, तो कोई दुपट्टा नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये अभी ले लिया। तो चलिए खाना खाने चलते हैं, लंच का टाइम हो गया, बच्चे लोग खाना खाने बैठ गए। आज हमारे घर पर बना है मटन, ठीक है। तो फैमिली के लिए मैंने मटन बनाया, खुद के लिए मैंने जो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर जो भुर्जी बनाया था मैंने, पनीर का भुर्जी, मैं वही लेकर खाऊंगी, मुझे मटर नहीं चाहिए। हाँ, दाल लूंगी थोड़ा सा। तो चलिए दिखाती हूँ, मैं खाना खाते हैं, ठीक है। बच्चे हम लोग तो इकट्ठे हम सालन निकालते हैं। ये मेरा दाल, और ये मैंने आज गाजर लिया है, ककड़ी ख़त्म हो गई है, और ये है मेरा पनीर का भुर्जी, और थोड़ा सा एक छोटी वाटी राइस। और आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने प्लेट बदल लिया है, बड़ा प्लेट में खाना खाएंगे ना तो ज़्यादा खाना जाता है, छोटे प्लेट में हम कम खाना भी हमें ज़्यादा दिखता है। तो मैंने ना थोड़ा सा ही चावल लिया है, आप देख सकते हो सबके बर्तन से, सबके प्लेट से मेरा प्लेट बहुत छोटा सा है, तो मैं यही खाऊंगी। फैमिली के लिए मैंने ये बनाया था, मटन की सालन बनाई थी, बट वो मैं नहीं लूँगी, मुझे इसके साथ ही खाना है क्योंकि मेरा डाइटिंग चल रहा है, ठीक है। फटाफट से मैं ना खाना खा लेती हूँ, आपको मैं दिखा देती हूँ, मैंने ना कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। ये देखिए दाल के साथ मैं खा रही हूँ राइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ना पनीर की भुजिया बहुत अच्छी बनी, बहुत टेस्टी बनी, इतना यम्मी बना है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा मैं रोज़ बनाकर खाऊंगी, और प्रोटीन भी मिल जाएगा मुझे, हाई फाइबर प्रोटीन सब कुछ इसमें है। तो चलिए पहले ना पहले मैं खा लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। खाते खाते कैमरा पकड़ना मुश्किल होता है, और बात करना भी सही नहीं होता, गुनाह होता है ना, खाना खाते खाते बात नहीं करते। तो चलिए पहले खा लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है कि मैं स्टैंड पे लगा के खाते हुए आपको दिखा सकूँ, सॉरी, वो भी इंतजाम करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं रखती हूँ। अभी हो गई शाम का टाइम, इवनिंग स्नैक्स का टाइम। इवनिंग में मैं फ्रूट ले रही हूँ आज भी, और कुछ और लेना था बट अभी यही मेरे पास था, तो ये ले रही हूँ मैं, ठीक है। पपाया है, और ये ना खंडालिया का पेरू है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही टेस्टी। इसमें ना बीज नहीं है यार, बहुत टेस्टी है, इसमें बीज नहीं है और इतना टेस्टी है ना, तो मैं सोची चलो यही खा लूँ। हम लोग लेकर आए थे 2 किलो,
180 रुपये किलो बोल रहे थे वो लोग। एक किलो में 3 पेरू आता है, इतना बड़ा बड़ा है और अंदर से पूरा पिंक और एक भी बीज नहीं है। सबसे बड़ी बात, खास बात उसका यही है और इतना मीठा होता है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी है। वहाँ का ये जो फेमस चीज़ है ना, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो आप लोग अगर कोई घूमने जाओ तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करना। तो चलो ये खा लेती हूँ मैं, उसके बाद मैं आप सबसे बात करती हूँ। और आज रात को ना मैं सोच रही हूँ डिनर में ना, जो मैंने भुर्जी बनाया था, पनीर भुर्जी और चपाती दोनों बचे हैं, तो मैं सोचती हूँ वही रात को डिनर कर लूँ। तो क्योंकि वेस्ट नहीं करना है, अमन के लिए रखा था मैंने सुबह 12 बजे तक, तो अमन तो ट्यूशन से आया 1 बजे, आके उसने खाना खा लिया था, तो उसके हिस्से का बचा हुआ है, तो वो ख़राब तो हुआ नहीं। 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, मतलब 12 बजे बनना था, तो अच्छा ही है, फ्रेश है, हल्का सा गर्म करके। और अभी शाम में मैं और अमन दोनों खा लेंगे, खाकर अमन 7 बजे ट्यूशन निकलेगा और तमन अभी ट्यूशन जाएगी, उसके बाद मैं अपना घर के काम करूँगी, ठीक है। तो चलो पहले ये खा लूँ। आज ना बहुत दिनों के बाद दोपहर में मैं सो गई थी, बहुत नींद आ रहा था, तो आज हालत देखी कैसी हो गई, बाल बाल सब बिखर गए, है ना, बहुत टेस्टी है। तो गाइस आज भी याद दिलाऊंगी, मैं तो बात करते करते खा रही, तो जल्दी खा रही हूँ, धीरे धीरे चबाकर, छोटे छोटे छोटा बाइट लेना और 32 बार चबाकर ही खाना है। 32 बार का जो फॉर्मूला है, जादू है, मैजिक है, मैजिक। और इस मैजिक पे यकीन करोगे ना और अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। जल्दी से फिनिश करती हूँ मैं इसको। फाइनली ये मैं डिनर करने वाली हूँ, पनीर के टुकड़े देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सब्जी से भरा हुआ, हरा भरा सा एकदम मेरा रात का डिनर। और ये बोल भर के मैं खाऊंगी, प्लेट भर कर खाऊंगी, बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी है। तो आज का डिनर मेरा ये है, आप भी चाहो तो ये बनाकर खा सकते हो, बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। और 32 बार चबा कर ही खाना, छोटे छोटे निवाले लेना, ठीक है। तो ये खत्म करती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ मैं, ओके। इतना मजा, मतलब इतनी मजे की बनी है ना, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी मैंने कैसे बनाया, बहुत टेस्टी बनाया, बहुत ही अभी बनाया।